और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। यूके एसएससी ने 8 अलग अलग भर्तियों पर रोक लगा दी है। एस राजू ने भर्ती रोकने के लिए एक पत्र लिखा था। बेरोजगार युवाओं का भविष्य मझधार में फंसा है, कहा गया था इस पत्र में। फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस दरोगा, लैब असिस्टेंट, अन्य भर्तियों पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। यूके एसएससी ने 8 अलग अलग भर्तियों पर रोक लगा दी है और ये रोक एस राजू ने भर्ती रोकने के लिए एक पत्र लिखा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। बेरोजगार युवाओं का भविष्य मझधार में फंसा है। फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस दरोगा, लैब असिस्टेंट, अन्य भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, जहां इस रोक के बाद अब युवाओं का भविष्य मझधार में फंसा हुआ है। एक पत्र लिखा गया था, एस राजू ने भर्ती पर रोक लगाने के लिए एक पत्र लिखा था और अब इस रोक के बाद ये जो भर्तियां रोकी गई हैं, जिन पर अब ब्रेक लगा दिया गया है, इससे बेरोजगार युवाओं का भविष्य मझधार में फंसा है। बता दें कि इसके तहत फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस दरोगा, लैब असिस्टेंट, अन्य भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। और विनोद कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विनोद, सबसे पहले बताएं कि ये रोक लगाने की वजह क्या है। बिल्कुल अनु, देखिए सबसे बड़ा सवाल है और करीब ऊपर प्रदेश के 3 लाख युवा इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। इस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले आए हैं और कई लोग अब तक जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। उसको देखते हुए जो आयोग के चेयरपर्सन थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफा से पहले शासन को उन्होंने पत्र लिखा था कि 8 भर्तियां रोक दी जाए। इन भर्तियों में एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, वन फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, लैब असिस्टेंट की भर्ती है। 8 भर्तियां रोकी गई है और भर्ती को करीब 3 लाख युवा इस भर्तियों में इन परीक्षाओं में शामिल होता, लेकिन लंबे समय से युवाओं का भविष्य मझधार में लटका हुआ है। और एक बार फिर युवाओं के लिए बहुत बुरी खबर है कि 8 भर्तियां रोक दी गई हैं और लगातार धांधली आयोग में देखने को मिल रही है और करीब 20 के करीब लोगों को अब तक जेल में डाल चुकी है एसटीएफ। और उसके अलावा आयोग के अध्यक्ष चेयरपर्सन रहते हुए एस राजू ने उत्तराखंड शासन को पत्र लिखा था कि ये तमाम भर्तियों को रोक दी जाए। उसी क्रम में उत्तराखंड शासन की ओर से लिखे पत्र में अब ये संज्ञान लिया गया है और 8 भर्तियां को रोक दी गई हैं, जिसमें लैब असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, पुलिस कांस्टेबल है और तमाम लेखपाल, पटवारी की तमाम ये भर्ती होनी थी। 3 लाख युवा इसमें पार्टिसिपेट करना था, लेकिन अब दुखद खबर और युवाओं के भविष्य से ये खिलवाड़ वाली खबर है। बिल्कुल विनोद, कहीं ना कहीं युवाओं के सब्र का बांध भी इससे टूटेगा। लेकिन विनोद, क्या कब ये रीशेड्यूल की जाएंगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी प्रशासन से? क्योंकि देखिए, अब महत्वपूर्ण सवाल ये है अनु, क्योंकि जिस तरह से अभी समूह ग की भर्ती हो या घ की भर्ती हो, तमाम भर्तियों में धांधली पाई गई है। आयोग की तरफ से जिस तरह से पत्र शासन को लिखा गया था कि ये तमाम भर्तियां रद्द कर दी गई, और उससे पहले अगर बात करें तो तमाम ऐसी भर्तियों को लेकर जिस तरह से भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी और ये एसटीएफ की तरफ से करीब 20 लोगों को अब तक भर्ती धांधली में गिरफ्तार भी कर चुका है, तो अब ये जरूर माना जाए कि ये लंबे समय बाद ही इसमें रीशेड्यूल करने की बात होगी। क्योंकि अब जब पहली भर्तियों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है तो आगामी होने वाली कि लंबा इंतजार यहां युवाओं को रोजगार पाने के लिए करना पड़ सकता है। शुक्रिया जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।